वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं सरफराज की ज़ेर सदारत आला सतह का अजलास हुआ। पंजाब में वाइस चांसलर्स की खाली असामियों पर तैनातियों पर तबादला ख्याल किया गया। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर ने आतिफ परवेज से। आतिफ परवेज बताएगा अजलास का अहवाल। जी, इजलास की सदारत जो है वज़ीर आला तालीम यासिर सरफराज हमायूं ने की, जबकि इजलास में सेक्रेटरी हायर एजुकेशन सारा सही, चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर निज़ामुद्दीन, स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी जो है डॉक्टर न्याज ने शिरकत की। और इस मौके पर खिताब करते हुए यासिर सरफराज हमायूं को कहना था कि अगले 5 साल के लिए जामिया तालीमी पॉलिसी तश्कील दी जा रही है। पंजाब में वाइस चांसलर की खाली असामियों पर इस साल के आखिर तक जो है वो उनको पुर कर लिया जाएगा। उनका कहना था कि बहुत जल्द जो है सर्च कमेटी का ऐलान कर दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर तालीम का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में जो है अपने सौरोजा एजेंडे के हवाले से जो है उनको आगाह करेंगे। और जो इस इजलास में जो एडिशनल सेक्रेटरी मरियम कियानी ने जामियात में वाइस चांसलर की तैनाती के हवाले से ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि सर्च कमेटी वाइस चांसलर के उम्मीदवारों को इंटरव्यू करेगी। 100 पॉइंट में से ज्यादा जो उम्मीदवारों की तालीमी काबिलियत और मकाला जात की बुनियाद पर पॉइंट दिए जाएंगे। सर्च कमेटी उम्मीदवारों के इंटरव्यू मुकम्मल करने के बाद कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। बहुत शुक्रिया आपका आतिफ परवेज।